एक दो बंदे जो हमारे सिविलियन जो अपनी बात रखना गलत की होने की वजह से मैं डीजीपी साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। लोगों के साथ इंटरेक्शन हुई और मैं तो यही समझूंगा कि ये यहाँ के लोग बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं। अभी वक्त की कमी की वजह से एक दो बंदे जो हमारे सिविलियन जो अपनी बात रखना है कि बच्चे एक उम्मीद के साथ बस्ता कंधे पे डाल के इतना सफर तय करके आते हैं, मगर अपनी लिमिटेशंस होती हैं। अब वो उसके बाहर जाके आप बिना तनख्वाह के को किसी को वर्दी पहना के खड़ा कर दे तो वो भी कोई बात नहीं बनती है। आज एसपीओ की डिमांड बहुत बढ़ गई है क्योंकि हम एसपीओ को 18,000 तक ले गए हैं धीरे धीरे, अब उसको और आगे भी बढ़ाना है। तो अब एसपीओ भी अगर लगना हो तो वो भी कॉन्स्टेबल जैसा ही लगता है, मगर कोशिश कर लेंगे कि थोड़ा बहुत एडी साहब बैठे हैं, मैं इनसे मशवरा करूंगा, आप लोगों को ज़रूर मौका देंगे। आप इतना शॉर्ट नोटिस पे आप जहां पर आए, आपके नुमाइंदगान ने जो अच्छी बातें इलाके के बारे में कही, मैं आप सबको शुक्रिया कहना चाहता हूं। जय हिंद। महकमा पुलिस के दायरे से बाहर काम करता है, मगर मुझे इलम है कि उनके कुछ मसाइल ऐसे हैं जो सरकार के नोटिस में हैं, उनके मसाइल को हल करने के लिए एक प्रपोजल बनी थी, सरकार के पास गई थी। उनका पुराना जो वेतन था उसको डेली जो वेजेस उनको मिलती बढ़ाया गया था। मुझे लगता है कि वो इशू अभी भी गवर्नमेंट के पास जेरे गौर होगा, मगर फिर से इस इशू को हम लोग सरकार को रिमाइंड करवाएंगे। आजकल नहीं होती है कांस्टेबल का, या बाकी जो पहले किसी ज़माने में जब मिल्टनसी का दौर था, बोलबाला था, उस वक़्त पूरा एक मूल्यांकन किया गया था, उसके मुताबिक देखते थे कि किस एरिया से कम लोग हैं, किस एरिया को और ज़्यादा पुलिस में लाने की ज़रूरत है, वो उस वक़्त सरकार की पॉलिसी थी, अभी ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। सर फाइनली इसमें अभी हम लोग आपस में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कितनी वैकेंसी अवेलेबल हो सकती है, जो नौजवान बच्चों को हम थोड़ा बहुत अपने साथ जोड़ सकें। उसके लिए अलग से जब भी वो बात होती, फैसला होता है तो हम लोग बता दें। अपनी आखिरी सांस ले रही है, इसकी बची हुई सांसों को ख़त्म करना आप सबका और हमारा मिलाजुला काम है, और मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही इसके बचे हुए निशान उनको ख़त्म कर पाएंगे, मिटा पाएंगे। थैंक यू।